इंतजार हुआ ख़त्म, क्योंकि झारखंड बोर्ड ने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है, तो चलिए हम लोग मॉडल पेपर में क्या दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन सेट किया गया, उसको डिस्कस करते हैं और कुछ प्रश्न को भी हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जो भी इसमें निर्देशांक दिया हुआ, जिसे कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023-24 के लिए, और यहाँ पे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो मॉडल पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको रिलीज किया गया है। तो हम लोग इसमें कक्षा 12वीं का इतिहास जो है, ठीक है, उसका कुछ कैसे क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए कक्षा 12वीं का है, इतिहास है, और 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 80 पूर्णांक रहेगा। ठीक है, 80 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, कुछ सामान्य निर्देश दिया गया, ये जानना बहुत जरूरी है कि सामान्य निर्देश में क्या है नहीं है। तो देखिए सामान्य निर्देश में दिया हुआ कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। आपको कहा जा रहा है कि आप खुद से ही आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और सभी प्रश्न अनिवार्य, जितने भी इसमें प्रश्न दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। ठीक है, 52 प्रश्न दिए हुए हैं, और यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे ये बात को समझना जरूरी है जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पिक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो आपको 1 से 30 तक का जो प्रश्न संख्या रहेगा वो बहुविकल्पिक, जिसको हम लोग MCQ प्रश्न कहते थे, ठीक है, उस टाइप का ही रहेगा। और इसमें सही जवाब देने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और 31 से 38 तक, देखिए 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 6 प्रश्नों का देना अनिवार्य, जवाब देना अनिवार्य होगा, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित होगा। मतलब देखिए 8 प्रश्न में से आपको 6 प्रश्न का जवाब देना होगा, और ये 6 × 12 नंबर का आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, 12 नंबर का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और इसमें भी आपको 6 प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, और 6 × 3 = 18 नंबर हो गया आपका। ठीक है, देखिए 12 × 18 = 30 नंबर हो गया, और 30 नंबर उधर था, कितना हो गया, 60 नंबर हो गया। और अब यहाँ पे आता है 47 से 52 के बीच में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा, और ये सभी 5 मार्क्स वाले होने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो यहाँ पे निर्देश दिया गया वो समझ गए होंगे। देखिए क्या दिया हुआ कि पहला तो MCQ 30 नंबर का है, फिर आपका 12 नंबर का है, फिर आपका 18 नंबर का है, और फिर आपका 20 नंबर का है। सभी को जोड़ेंगे तो 80 नंबर होता है, और 20 नंबर आपका इंटरनल रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये निर्देश जो दिया गया था ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो प्रश्न देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न देखिए यहाँ पे MCQ प्रश्न है, इसका आंसर आपको इस मॉडल सेट में दिया हुआ है। आप यहाँ से क्लियर करेंगे, हम लोग लाइव टेस्ट में इसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था, ये आप नहीं जानते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब हम लोग लाइव टेस्ट में, हम लोग जो लाइव क्लास चलेगी उसमें हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर। सब्जेक्टिव जैसे कि यहाँ पे देखिए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, और बहुत सारा प्रश्न जो है हम आपको मॉडल पेपर, जिस तरह से हम मॉडल पेपर से पहले जो प्रश्न हमें VVI प्रश्न बना रहे थे, उसमें से बहुत सारा प्रश्न इसमें दिया गया है। चोरा चोरी कांड कब हुआ, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आ गए हम लोग यहाँ पे देखिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता को यहाँ पे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें से किन्हीं 6 का जवाब आपको देना, लेकिन हम लोग जितना भी 8 के 8 का आंसर जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है, चलिए हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे उसको आपको हम दिखाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं, अब यहाँ पे देखिए दूसरा पेज के ऊपर इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर हल्का सा तोड़ मोड़ के लिए बताया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी के घाटी के आसपास ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो है सिंधु घाटी के आसपास ही पाया गया था, इसलिए सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा गया है। तो आप एक शब्द में आंसर नहीं लिख सकते जो हम लिखे हुए हैं, लेकिन इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर किंघम को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बस कुछ नहीं, बस यही लिखना है आपको कि भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर किंघम को कहा जाता है। बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी को पहले लिख देंगे, उसके बाद ये जोड़ देंगे। ठीक है, सर अलेक्जेंडर किंघम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के, इसी तरह से लिखेंगे, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 34वां नंबर क्वेश्चन कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची पर्वत के बगल में इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। और संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे। तो यहाँ पे देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक सिधो और कान्हो थे। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब किया। तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट कर दिया था। इसका आंसर आप ऐसे लिख दीजिएगा, है ना। चलिए और देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय का लास्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। तो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक है, सब्जेक्टिव का क्या है कि हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए अगले वीडियो में। देखिए छोटा छोटा पार्ट बनाएंगे तब आप लोग देखने में मजा आएगा, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा पार्ट बना देंगे तो आप लोग थोड़ा सा कहिएगा कि नहीं इतना मजा नहीं आता है। ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के ऊपर आप लोग अधिकतर केंद्रित होता है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, 10 मिनट 5 मिनट 12 मिनट का ही वीडियो बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक एक घंटा का वीडियो बना दें पूरा सोल्यूशन करा दें। ठीक है, अलग अलग वीडियो बनाएंगे, अलग अलग टाइप का बनाएंगे, अलग अलग पार्ट का बनाएंगे। ठीक, तो यहां पे हम लोग अति लघु उत्तरीय खत्म कर दिया, 38 तक देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 38 से आगे, ठीक है, 39 से 45 के बीच वाले हम लोग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसका भी कंटेंट बस बहुत जल्द आप लोगों के बीच में भेजा जा रहा है। हो गया क्लियर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है कि ये सभी को नोट कर लेना, नोट करके याद कर लेना है, और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। साथियों अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और क्योंकि आप लोगों का 6-6 मॉडल पेपर आने वाला है तो आप लोगों का लाइव टेस्ट भी लिया जाएगा, MCQ का लाइव सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और लाइव डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव का आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए जितना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी थोड़ा मेरे लिए मेहनत कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।